हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। मैं हूं संतोष और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है। तो आज मैं आपको तीन वैरायटी एक डोसा दिखाने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं हाउ टू मेक एक डोसा। पहले हम बनाएंगे डोसा का बैटर। तो डोसा का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 3 कप डोसा राइस, 1/4 कप उड़द दाल, 1/4 कप चना दाल। तो हम चना दाल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बैटर को थिकनेस देगा और क्रिस्पी भी बनाएगा। अब हमें इसे एक एक करके अच्छी तरह पीस लेना है। तो पहले हम उड़द दाल पीस लेंगे, फिर हमें ग्राइंड करना है चना दाल, और फिर हम ग्राइंड करेंगे डोसा राइस। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये सब ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही कम पानी का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका जो बैटर है वो बहुत ही लिक्विड हो जाएगा और वो डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। फिर हम डालेंगे बैटर में 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और फिर हम इसे अच्छी तरह हमें हिलाना है। हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगातार इसे हिलाना है ताकि आपका जो डोसा बैटर है वो अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। आपको इसे कम से कम 6 से 7 घंटा रखना पड़ेगा फर्मेंट होने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम वैरायटी नंबर 1 डोसा बनाएंगे। उसके लिए हम एक तवा गर्म कर लेंगे, उसमें हम 1 कलचुल भर के बैटर डाल के इसे हम गोल गोल से हम घुमाएंगे ताकि अच्छा राउंड शेप में हमारा डोसा बन जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जब ये आपका ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह पक जाए तब इसमें डालेंगे 1 अंडा बीट किया हुआ। यहाँ मैंने अंडे में थोड़ा कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम और बारीकी से कटे हुए हरी मिर्च और नमक भी डाला हुआ है। जब अंडा 3/4 कुक हो जाए तब हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी से हम पकाएंगे। दोस्तों अगर आपको क्रिस्पी डोसा चाहिए तो आप नॉनस्टिक तवा यूज़ मत कीजिएगा बल्कि आयरन तवा यूज़ कीजिएगा। दूसरी तरफ जब हम पकाएंगे तो फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा कि आप गैस का फ्लेम बहुत ही आप लो रखें, नहीं तो आपका जो एग है वो जल जाएगा। तो हम 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम में कुक करेंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे। हाँ, हमारा अंडा अच्छी तरह कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा ब्राउन मार्क भी आ गया, मतलब अंडा कुक हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। पेपर पाउडर आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड करके एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे क्योंकि डोसा बहुत ही गर्म है, इसलिए मैं एक स्पैटुला की मदद से इसे फोल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा प्लेन एक डोसा तैयार हो गया है बनके। अब हम दूसरा वैरायटी डोसा आपको बना के दिखाते हैं। तो ये वैरायटी नंबर 2 डोसा है, इसका नाम है पुड़ी एक डोसा। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब डोसा ऊपर की तरफ अच्छी तरह पक जाए तब हम उसमें फेटा हुआ अंडा डालेंगे। फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरह हम इसे रोस्ट कर लेंगे। जब एग अच्छी तरह पक जाए तो हम इसमें डालेंगे फिर से ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर हम इसमें एडिशनली हम इसमें डालेंगे डोसा या इडली पाउडर, इसे हम गन पाउडर भी बोलते हैं। अच्छी तरह इसमें हम प्रेस कर लेंगे ताकि जो गन पाउडर वो अच्छी तरह इसमें स्टिक हो जाए। तो दोस्तों ये गन पाउडर जो है वो साउथ में बहुत ही पॉपुलर है और ये बनता है बहुत सारे लेंटिल्स के साथ और विद रेड चिल्ली पाउडर, और ये साउथ में इसे चावल के साथ भी विद घी या विद सेसमी ऑयल भी हम खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे 3rd वैरायटी डोसा, यह है शेजवान एग डोसा। इसमें भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब हमारा अंडा कुक हो जाए तब हम इसमें डालेंगे शेजवान चटनी,
दोस्तों मैंने शेजवान चटनी का रेसिपी पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, और आप चाहे तो ऊपर राइट कॉर्नर में दिए गए आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर हम इवनली स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह एक स्पून की मदद से, ताकि पूरा अच्छा अच्छा डोसा में कवर हो जाए। लीजिए दोस्तों, हमारा शेजवान एक डोसा बन के रेडी हो गया है। हम इसे खाएंगे विथ ओनियन टमाटो चटनी। तो चलिए देखते हैं हाउ टू मेक ओनियन टमाटो चटनी। इसके लिए पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लेंगे। फिर उसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, लहसुन, फिर डालेंगे चॉप्ड जिंजर, अदरक, अच्छी तरह हम हिलाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग या सिपटीडा। जब हमारा गार्लिक ब्राउन होना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे प्याज बारीकी से कटे हुए। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याजों का इस्तेमाल किया है। फिर मैं डालूंगा इसमें नमक 1 टेबलस्पून। आप स्वाद अनुसार नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कम ही डालना अच्छा है दोस्तों हेल्थ के लिए। अगर ज़्यादा नमक ना खाए तो वो आपके लिए अच्छा है। फिर हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज ब्राउन हो जाए फिर इसमें डालेंगे रेड चिली, ड्राई रेड चिली। यहाँ मैं 30 नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी आप अपने स्पाइस लेवल के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ डालूंगा 4 बड़े टमाटर कटे हुए। दोस्तों मैं जो यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा हूँ वो मैं 10 लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप अपने लोगों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए और वो पानी छोड़ना शुरू कर दे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप रोस्टेड पीनट। तो हम ये इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये चटनी को थोड़ा गाढ़ा कर देगा। तो आप चाहे तो पीनट्स के अलावा आप रोस्ट किया हुआ सफ़ेद तिल या रोस्टेड चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अनुसार आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि चटनी को गाढ़ा करे, नहीं तो आपका चटनी बहुत ही पतला बन जाएगा। आपको पतली चटनी पसंद है तो आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसमें एक मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से इसे हम अच्छी तरह पीस लेंगे। हमें इसे बहुत ही महीन पीसना है, इसलिए जब आप पीसेंगे थोड़ा कम क्वांटिटी में पीसिएगा। तो दोस्तों हमारा ओनियन टमाटो चटनी बनके रेडी हो गया है। इसे आप गरम गरम डोसे के साथ या फिर कोई भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो इसे आप लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू।